आज है 22 जून 2022, और 22 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने इजराइल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत हरियाणा एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इजराइल की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करेगा। इजराइल के बारे में जानकारी, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजराइली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्तालिन बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग है। इजराइल की सांसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी इजराइल देश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संस्था को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा अहमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को COVID-19 महामारी के दौरान PM ई विद्या नामक व्यापक पहल के अंतर्गत शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अहमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक संवैधानिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में कतर के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। टॉप तीन के नाम, पहले पर हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, दूसरे पर टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हनोडा, तीसरे पर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे। रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में 843 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ी है, जिससे भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है। वहीं नई सोलर PV क्षमता के लिए भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। टॉप तीन के नाम, पहले पर चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कुओर्ताने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। भारत के जेवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा ने कुओर्ताने गेम्स 2022 में 86.69 मीटर लंबा भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल फिनलैंड में था। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हर्षदा
शरद गरुड़ हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिद्धू ने कांस्य पदक जीता है। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख के हानले गांव में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। यह डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटकों को बढ़ावा देने हुए खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगा। डार्क स्काई रिजर्व क्या है? डार्क स्काई रिजर्व ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्रकृति व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी की है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। आयोजन स्थल नई दिल्ली। शंघाई सहयोग संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नॉर्वे हैं। महासचिव झांग मिंग हैं। सदस्य देश इसके शंघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और ईरान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया के बारे में जानकारी, कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में स्थित है, एक देश है। इसकी राजधानी बोगोटा है। इसकी मुद्रा पैसो है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, सर्जियो मत्तारेला इटली देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है। मोर्टन बोडस्काव डेनमार्क देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं। निकारगुआ के नए राष्ट्रपति जोस डेनियल ओर्टोगा बने हैं। चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेबियल बोराक बने हैं। होडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कस्त्रो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका के 11 शहरों, मेक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। फीफा पहली बार विश्व के 2026 में 28 टीमें भाग लेंगी। इसका यह 23वां संस्करण होगा और 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ। पिछले राष्ट्रमंडल खेल का रिवीजन, फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 खेल का आयोजन कैमरून अफ्रीका में हुआ। 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 जून। यह दिवस शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर के हर साल 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें आतंकवाद, संघर्ष, युद्ध, अभियोजन या किसी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।